Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Angel Institutes. Dear children, today we have to discuss about the structure of tRNA. प्रिय छात्र, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि tRNA की संरचना क्या होता है। यदि बात करें tRNA की संरचना की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, तो याद कर लेंगे R.W. Hellen ने कब 1964 में इसकी डिस्कवरी किए थे। और यदि और भी आगे की तरफ बात करें तो tRNA की संरचना का जिन्होंने डिस्कवरी किया था R.W. Foley, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किसके साथ दिया गया था, तो डॉक्टर हरि गोविंद खुराना के साथ दिया गया था। और यदि स्ट्रक्चर ऑफ tRNA की बात करें ना, तो tRNA संरचनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो उसके मुख्य चार पार्ट्स पाए जाते हैं, चार आर्म पाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर आर्म, इसे हम लोग कहते हैं टीसीसी आर्म, इसे हम लोग कहते हैं एंटीकोडानिक आर्म, इसे हम लोग कहते हैं डी आर्म या फिर डीएचयू आर्म। ध्यान रखेंगे, यदि टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली द टीआरएनए इज मेड अप ऑफ मेनली फोर पार्ट्स, दैट इज द एक्सेप्टर आर्म, सेकंड इज द टीसीसी आर्म, थर्ड इज द एंटीकोडानिक आर्म एंड फोर्थ इज द DHU और या फिर DR। ध्यान रखेंगे, जो tRNA होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार पार्ट्स के मिलने से बना होता है। सबसे पहले वाले को क्या कहते हैं बेटा, चिल्ला करके बोल दो, एक्सेप्टर आर्म। दूसरे वाले को टीसीसी आर्म कहते हैं, तीसरे वाले को एंटीकोडानिक आर्म कहते हैं और चौथे वाले को क्या कहते हैं, डी आर्म या फिर DHU आर्म के नाम से जाना जाता है। यदि इस क्रम में बात करें ना, सबसे पहला वाला जो आर्म है जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्सेप्टर आर्म, तो ध्यान देना एक्सेप्टर आर्म के पास ना दो ठी फ्री एंड होता है। किसके पास, एक्सेप्टर आर्म के पास कितना फ्री एंड होता है, दो ठी फ्री एंड होता है। पहले वाले को हम लोग कहते हैं 13 और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं 15। मतलब स्ट्रक्चरल जो एक्सेप्टर आर्म होता है टीआरएनए का, इसका जो एक्सेप्टर आर्म है इसके पास दो फ्री एंड होता है। पहले वाले को 3 एंड है, दूसरे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, 5 एंड के नाम से जानते हैं। जो 3 वाला एंड होता है ना इसके पास OH ग्रुप लगा रहता है, लेकिन जो 5 वाला जो होता है ना इसके पास नाइट्रोजनस बेस G लगा रहता है। इसके पास नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ना ACC होता है, बिल्कुल रेड जाना। और चूंकि ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करने का काम करता है ना, इसीलिए इस आर्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। थोड़ा एक बात और भी ध्यान देना, इस आर्म को हम लोग कहते हैं टीसीसी आर्म। बात थोड़ा जूम कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। इस आर्म को हम लोग क्या कहते हैं, टीसीसी आर्म। पता है क्यों टीसीसी आर्म कहते हैं, क्योंकि इसके पास जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना वो थायमिन और साइटोसिन तो होता ही है, लेकिन अनयूजुअल बेस सीक्वेंस एक साई आता है, इसीलिए इस तरीके के आर्म को हम लोग टीसीसी आर्म के नाम से जाना जाता है। और तीसरा वाला पॉइंट याद कर लेना, जो नीचे वाला होता है ना इसे हम लोग कहते हैं एंटीकोडान। नीचे वाले को क्या कहते हैं, एंटीकोडानिक आर्म। इसे एंटीकोडानिक आर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास जो भी कोडान मौजूद होते हैं वह mRNA के अपोजिट होते हैं। बात ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। एंटीकोडानिक आर्म के पास जो भी कोडान होते हैं वह mRNA के अपोजिट कोडान होते हैं, इसलिए इस तरीके के आर्म को हम लोग कहते हैं एंटीकोडानिक आर्म। और लास्ट जो आर्म है इसका नाम है DHU आर्म। जो फोर्थ वाला आर्म होता है ना इसका नाम क्या है, DHU आर्म है। पता है क्यों इसे DHU आर्म कहते हैं, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजनस बेस के रूप में DH और U होता है, इसीलिए इस आर्म को हम लोग कहते हैं DHU आर्म। और लास्ट एक हेडिंग समझ लेना कि tRNA के पास एक और भी आर्म मौजूद होता है जिसका कोई भी काम नहीं होता है। tRNA के पास एक और भी आर्म होता है जिसका कोई काम नहीं होता है, और इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल आर्म या फिर एक्स्ट्रा आर्म। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।